एक कांग्रेस के विधायक का फीडबैक लेने के लिए पर्यवेक्षक जब उनके विधानसभा क्षेत्र में गए तो उस विधायक के पिता ने ही पर्यवेक्षक को बोल दिया कि मेरे बेटे को टिकट मत देना, अगर टिकट दे दिया तो मैं सामने खड़ा रहकर इसको हराऊंगा और मेरे बेटे की वजह से हमारा परिवार टूट गया है। मेरी उम्र 80 साल की है लेकिन जो मेरा विधायक बेटा है वो मेरे से बात तक भी नहीं करता है, मेरे से और मेरे समाज के लोगों के साथ ये तूत तड़ाके से बात करता है और उनकी इज्जत भी नहीं करता है। इतना ही नहीं, उस विधायक के पिता ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो शुक्र है कि मेरे दो बेटे हैं, अगर दूसरा मेरा बेटा नहीं होता तो इस समय मैं किसी वृद्धा आश्रम में होता। इस बात को लेकर जब पर्यवेक्षकों से मीडिया ने पूछा कि क्या पूरा मामला है तो पर्यवेक्षकों ने कहा कि साहब ये तो इनके पारिवारिक मामला है और इस पर पार्टी आगे निर्णय लेगी। इस पूरी मामले को लेकर अब प्रदेश भर में चर्चा हो रही है और ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर पार्टी भी पूरे मामले को लेकर आगे सोचकर विचार करेगी। दरअसल ये घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र की है और वहाँ से अशोक बैरवा कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। 1998 में उन्होंने लेखाकार पद से वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ा था और लगातार वे चुनाव जीते गए। 2013 से 18 के बीच में वो हार गए थे और वर्तमान में 18 विधानसभा में फिर वो विधायक बने थे और 2008 से 13 तक वो राजस्थान में मंत्री भी रहे थे। इस प्रकार की चर्चा के बाद जब 1-to-1 वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी बात की गई तो ये भी बात सामने आई है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कहा कि अब लगातार इनको टिकट मत दीजिए, इनको रिपीट मत कीजिए, अब कोई नया चेहरा लाइए। और इस दरमियान जब ये 1-to-1 फीडबैक चल रहा था तब पर्यवेक्षकों के पास जो हैं उनके विधायक के पिता डालचंद बैरवा पहुँच चुके और डालचंद बैरवा ने साफ तौर पर उनको पर्यवेक्षकों को कहा कि मेरे बेटे को टिकट मत देना, मेरे बेटे को अगर टिकट दे दी तो मैं सामने खड़े रह करके इनको हरवाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे जो पंचायत समिति के चुनाव थे तब मेरे बेटे ने, जो आपकी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने दूसरी पार्टी के एक प्रत्याशी को साथ खड़े रहकर जिताया था। अब पूरे प्रदेश भर में ये चर्चा चल रही है कि अब विधानसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं बचा है, अलग अलग पार्टियों के जो ऑब्जर्वर हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग जो दावेदार हैं उनके दावेदारियां जो हैं वो ले रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। और ऐसे में एक विधायक के पिता ने जाकर के बोल दिया कि भाई मेरे बेटे को इस बार टिकट मत देना, नहीं तो मैं उनको हरा दूंगा, मैं उनके साथ सामने वाले पक्ष के साथ खड़े रह करके इनको हराऊंगा। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार चुनावों में पार्टी के जो आलाकमान हैं क्या वाकई में उनके पिता की बात मानकर उनको टिकट काट देंगे या फिर ये कोई आपसी घरेलू मामला है, कहीं ना कहीं किसी घरेलू मामले के चलते पिता अपने पुत्र से नाराज हैं या फिर वाकई में उनके पिता को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर जो है जब टिकट वितरित हो गई उस विधानसभा क्षेत्र से तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्या वाकई में टिकट काटती है या फिर कोई इनका घरेलू मामला।